नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एसएससी क्लब में। और ये टाइम एंड वर्क का 17th पार्ट है। 16 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और ये लास्ट टाइप है। इसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बता दूंगा। और ये आप टाइम एंड वर्क खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है, ये लास्ट पार्ट है। प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए पैकेज और उसको बनाइए, आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है एसएससी के एग्जाम में। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पैकेज के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप पैकेज डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं टाइप बाई टाइप पढ़ा रहा हूँ, हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन डाल रखा है पैकेज में। फिलहाल पैकेज हिंदी में है तो उसके लिए सॉरी, फिलहाल हिंदी में ही है। अब टाइप 17 के बात करते हैं। मैंने 16 टाइप में बताया था अल्टरनेट वर्क करने का तरीका कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें ग्रुपिंग करके मैं बहुत ही आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया उसे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो 17th पार्ट आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो देखते हैं, एक 17 टाइप का क्वेश्चन लेकर, उस तरह का क्वेश्चन लेकर आपको समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन है और कैसे बनाते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 11, 20 और 55 दिनों में क्रमशः समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी कार्य करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन आप समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी और सी तीन लोग हैं जो 11 दिन 20 दिन और 55 दिनों में समाप्त काम कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो काम करने का तरीका होगा वो क्या होगा। ए और बी एक दिन काम करेंगे, फिर अगला दिन ए और सी काम करेगा, उसके बाद फिर ए बी काम करेगा, फिर ए सी काम करेगा। आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए के साथ बी काम करेगा एक दिन, फिर अगला दिन ए के साथ सी काम करेगा। मतलब ए रोज काम कर रहा है लेकिन जो बी है वो एक एक दिन छोड़कर और सी एक एक दिन छोड़कर। उसके बाद यहाँ से जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ से इफिशियंसी निकालते हैं, तो यहाँ मैं इफिशियंसी निकालूंगा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहाँ हो जाएगा 1/11, 1/20, 1/55, ठीक है। इसे सॉल्व किया जाए तो 20:11:4 आएगा, 20:11:4 आएगा। और मैंने बताया था कि वर्क कैसे निकलता है, वर्क मैंने बताया था। तो वर्क निकालने के लिए ये तीनों का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ से 220 आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, मैंने यहाँ पे लिखा था कैपेसिटी और यहाँ पे लिखा था डेज, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे करें, ए बी तो एक दिन में काम कर रहा है, ए सी अगला दिन में काम कर रहा है, तो ए बी प्लस ए सी जो होगा दो दिन का वो क्या होगा, ग्रुप बनेगा। तो ए बी का एफिशिएंसी कितना हुआ, 20:11। ए बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 20:11, 31। और ए सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 20:4, 24। ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5 और 5, 55। ये जो 55 है वो दो दिन का ग्रुप बन रहा है। ग्रुप कैसे बन रहा है फिर से मैं बता रहा हूँ। ए बी एक दिन में काम कर रहा है, ए सी दूसरे दिन में काम कर रहा है। तो ए बी का एफिशिएंसी है जो एक दिन में काम करेगा, ये दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 31। तो 31 काम एक दिन में होगा, फिर अगला दिन काम कितना होगा, 24, क्योंकि ए सी कर रहा है 20:4, 24। तो पहला दिन 31 काम होगा, दूसरा दिन 24 काम होगा, फिर 31 काम होगा, फिर 24 काम होगा, फिर 31 काम होगा, फिर 24 काम होगा। इसी तरह देख रहे होंगे 55 का ग्रुप बन रहा है, 55 यूनिट का हर एक दो दिन का ग्रुप बन रहा है। यहाँ से 55 दिन दो दिन में काम हो रहा है, 55 जो काम है वो दो दिन में हो रहा है, ठीक है। और वर्क कितना है, 220। इसे कितने और मल्टीप्लाई किया जाए कि 220 या 220 से कम आए, तो आप देख लेंगे डायरेक्ट यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये 220 हो गया और ये कितना हो गया, 8। देखा आपने कितना सिंपल तरीके से बन चुका है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार बोला जा रहा है ए के साथ बी काम करेगा, फिर अगला दिन है जो ए के साथ सी काम करेगा। तो ये तो जो काम हो रहा है एक दिन में ही हो रहा है ना, ए बी, तो ए बी का इफिशियंसी दोनों को ऐड करके वही एक दिन में काम होगा। तो 20:11:31, मतलब 31 यूनिट वर्क पहला दिन होगा, फिर अगला दिन काम होगा ए सी, तो ए सी काम करेगा ये दोनों, तो 20 और 24, तो दूसरा दिन काम होगा 24, फिर 31, फिर 24, क्योंकि ए बी है, ए सी है, फिर ए बी है, फिर ए सी है, इसी तरह काम होते रहेगा। 31, 24, 31, 24, ये जो ग्रुप बन रहा है दो दिन का ग्रुप बन रहा है 31 और 24, ये 55 ग्रुप बन रहा है दो दिन में, तो मतलब कि 55 यूनिट वर्क हर एक दो दिन पे 55 यूनिट वर्क कंप्लीट हो रहा है, हर एक दो दिन पे। तो मैंने वही लिख दिया कि 55 यूनिट वर्क दो दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 होगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा 31। देखा आपने कितना सिंपल तरीके से बन चुका है।
इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ पाए कि कैसे काम हो रहा है। एक क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को 20, 30, 60 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि ए लगातार करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार बोला जा रहा है ए बी और सी कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 20, 30 और 60। इफिशेंसी हम निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी का, तो क्या हो जाएगा आप निकाल के देखेंगे तो 3:1 होगा। ये आ गया। इसके आने के बाद हमें वर्क निकालना है, तो वर्क कितना होगा, 1/20, 1/30, 1/60 होगा। तो ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 यूनिट वर्क आया। अब क्वेश्चन में के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन भी ए काम करेगा, लेकिन तीसरा दिन ए बी और सी तीनों काम करेंगे। फिर से चौथा दिन ए काम करेगा, पाँचवा दिन ए काम करेगा, छठा दिन ए बी सी तीनों काम करेगा। तो ग्रुप कितना का बन रहा है, 3 दिन में ए ए बी सी, ठीक है। तो ये तो पहला दिन कितना यूनिट वर्क कंप्लीट होगा, 3, फिर दूसरा दिन भी 3 कंप्लीट होगा, फिर चौथा दिन तीनों है तो 3 × 5 = 6 देख रहे होंगे आप, फिर 3 × 3 = 6 फिर 3 × 3 = 6 इस तरह कंप्लीट होगा। तो ये जो ग्रुप बन रहा है वो 3 दिन का बन रहा है, और कितना यूनिट का ग्रुप बन रहा है, 6 × 12 देख रहे होंगे। हर एक 3 दिन पे कितना कंप्लीट होगा काम, 12 यूनिट कंप्लीट होगा। यहाँ कैपेसिटी में 12 और 3 डेज 60 है, तो आप देख लेंगे अगर 5 मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 15, तो आंसर कितना हो गया 50। तो कितना आसान था, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अगर समझ में आया तो भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैंने टाइम एंड वर्क का वीडियोज़ कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।